please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हैं। राहुल लगातार वहां से तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं, लेकिन पहली बार राहुल गांधी के खुद का एक वीडियो सामने आया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कैलाश मानसरोवर की पहाड़ियों का वीडियो भी ट्वीट किया और लिखा कि शिव पूरे ब्रह्मांड में है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह से देखा जाए इन चीजों को, हालांकि छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन फिर भी कई मायने हैं इसके। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना चाहते हैं और यही ये दर्शाते भी हैं। जितने भी वीडियो आ रहे हैं या तस्वीरें आ रही हैं वो दिखाते हैं किस तरह से यात्रियों के साथ जो उनके यात्री हैं कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं उनके साथ उनसे घुल मिल करके कैंप के बाहर वो बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरह से वहां भी लोगों से उनका मिलना जुलना संवाद कायम है और ये जो वीडियो आ रही है वो दिखा रहा है कि राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए। बहुत ही हाई एल्टीट्यूड है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो सहज नजर आ रहे हैं, स्वस्थ नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो फिटनेस को लेकर के अपने काफी वो संजीदा रहते हैं और वो फिटनेस दिल्ली में जब वो साइकिल चलाते हैं, जिम करते हैं और एक तरह का एक जो है कराटे क्लास में भी वो जाते थे, उन सब का असर दिख रहा है कि राहुल गांधी की दाढ़ी भले ही बढ़ी हुई हो लेकिन उनका चेहरा प्रफुल्लित नजर आ रहा है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान वो थके हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि राहुल गांधी काफी पहले से तैयारी कर रहे थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए। जब उन्होंने घोषणा की थी उसके बाद से ही शायद वो इसमें जुट गए थे और उसका असर दिखाई दे रहा है कि इतनी ऊंचाई पर भी वो बहुत ही कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। हालांकि अरुण, सोशल साइट पर जब इन्होंने वो तस्वीरें शेयर की थी तो तब दर्शकों ने ये भी कहा था कि सर ये तो हम बहुत देख चुके हैं, कुछ अपनी तस्वीर भी आप डालिए, और उसी के बाद अब ये वीडियो सामने आया है। देखिए, तमाम यात्री जो उनके साथ वहां पर गए हुए हैं वो भी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं अपने फेसबुक से, ट्विटर अकाउंट से, क्योंकि राहुल गांधी एक जाना पहचाना चेहरा है हिंदुस्तान के अंदर और जो लोग भी उनके साथ गए हैं वो उनके साथ न सिर्फ सेल्फी ले रहे हैं बल्कि उनकी तस्वीरें भी ले रहे हैं और राहुल गांधी खुशी खुशी हर व्यक्ति के साथ और जो भी उनके यात्री साथ गए उन सबके साथ तस्वीरें खिंचवा भी रहे हैं। तो एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी भी वो लोगों से मिलने जुलने और एक जो कठिन रास्ता उसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश लोगों से घुल मिल करके कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अरुण, विवाद भी जरूर रहे उनके जाने से पहले भी कि आखिर वो इस रूट के जरिए आखिर क्यों जा रहे हैं या फिर अगर वो यहाँ पर गए उन्होंने क्या खाया, क्या किया, क्या नहीं किया, ये तमाम चीजें भी रही। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि कांग्रेस की छवि यही बन गई थी कि हिंदुत्व को पूरी तरीके से उसने छोड़ दिया था या हिंदूवादी राजनीति को छोड़ दिया था और एंटनी कमेटी ने भी माना था कि अल्पसंख्यक परस्त उसकी नीति आती है और बीजेपी का एक अधिकार एक तरह से हिंदुत्व की राजनीति पर हो गया था। अब राहुल गांधी अगर उस स्पेस को लेने की कोशिश करेंगे, अगर वो मंदिर जाएंगे, अगर वो शिव की भक्ति करेंगे, अगर वो रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, अगर वो पूजा पाठ करेंगे, तो जाहिर सी बात है सियासत होगी, बीजेपी हमला उन पर करेगी। और वही संबित पात्रा ने किया कि वो चीन के रास्ते क्यों जा रहे हैं, हालांकि बाद में वो नेपाल के रास्ते गए। चूंकि कैलाश मानसरोवर का जो इलाका है वो तिब्बत और चीन, तिब्बत अब चीन के अंडर ही है तो चीन तो जाना ही पड़ेगा, इस तरह के सवाल उठेंगे। और एक चूंकि सियासी व्यक्ति अगर कोई धार्मिक यात्रा पर जाता है तो सियासत उस पर न हो ऐसा संभव नहीं, और वही हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि वहां गए थे दर्शन करके चुपचाप चले आते और यहां पर बताते वहां से किस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी वो कर रहे हैं, जो तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं या जो शब्द वे ट्वीट कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल आदमी की यात्रा न उसके नजरिए से गैर पॉलिटिकल हो सकती है और न ही अपोजिशन के नजरिए से गैर पॉलिटिकल हो सकती है। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरने के बाद कुछ लोग नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। उन्नाव के अलावा फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर के निचले इलाकों में भी गंगा का पानी भरने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन गंगा में आई बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही उन्नाव में मचाई जिसके बाद लोग नाव के सहारे आने जाने को मजबूर दिखाई दिए। गंगा किनारे बसे कई गांव इसी तरह बाढ़ में पूरी तरह से डूब गए हैं और हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो गई है, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं।
बाढ़ का पानी बढ़ने से लोग अपने मवेशी छोड़कर जाने को मजबूर दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग अपने मवेशियों के साथ बाढ़ का पानी उतरने तक सुरक्षित जगहों की तलाश में जुट गए। इस बीच प्रशासनिक अधिकारी लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराने में जुट गए और बाढ़ से परेशान लोगों को ऊंची जगहों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा उन्हें राहत सामग्री बांटी गई, लेकिन बाढ़ से परेशान लोगों ने खाने पीने की चीजें ना मुहैया करवाने का आरोप भी लगाया। तो नाव की तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं कि किस तरह बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ये देखिए मवेशियों की तस्वीर में हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि फंसे हुए हैं वो भी जगह जगह इस बाढ़ के पानी में, और लोग मजबूर हैं अपने मवेशियों को छोड़कर खुद सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए, कि ताकि वो खुद तो पहले सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जो गंगा का पानी है वो आफत बन गया है उन्नाव के लोगों के लिए। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला में कल रात से हो रही बारिश के साथ ही कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। वहीं सड़कों पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। शिमला में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश ये हो रही है, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कल रात से ही भारी बारिश हो रही है और ओले भी गिरे हैं। सड़कों पर मलबा आ जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई कई घंटों का यहाँ जाम भी लग रहा है, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं और जो लोकल लोग हैं उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं। जबरदस्त बारिश, न सिर्फ बारिश बल्कि बारिश के साथ जबरदस्त ओले भी यहां गिरे। जहां तहां ट्रैफिक जाम है, लोग फंसे हुए हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी परेशान हैं। यात्रियों के लिए कुछ थोड़ी सी मौज मस्ती का ये समय हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की बारिश वहां देखने को मिल रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को खासी दिक्कत है और यात्रियों को भी, क्योंकि ट्रैफिक जाम से उनको दो चार होना पड़ रहा है। और अब बात बिहार के मुंगेर की। यहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से मुंगेर के करीब 12 गांव इस बार की चपेट में आ गए हैं। पानी के तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। केंद्रीय जल आयोग की जानकारी के मुताबिक मुंगेर में गंगा का जलस्तर 38.58 मीटर तक पहुँच चुका है। पानी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं, क्योंकि उनके सामने अब रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। परेशानी बढ़ा दी है इस बढ़ते जलस्तर ने, पानी का तेज बहाव, बढ़ता जलस्तर। देखिए आप किस तरह से जो घर हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। केंद्रीय जल आयोग की जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक मुंगेर में गंगा का जलस्तर 38.58 मीटर तक पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है कि जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएँ, कहाँ जाने से भी ज़्यादा रोजी रोटी की समस्या उनके आगे खड़ी हो गई है। जो रोज कमाने वाले लोग हैं उनके आगे एक बड़ी समस्या ये है कि आखिर क्या करें, किस तरह से घर चलाएं। घरों में पानी भर चुका है, सामान खराब हो चुका है, बच्चों को क्या खिलाएं, अपने घरों को छोड़कर अगर जाएं भी तो कहां जाएं, कोई साधन उनके पास इस तरह से नहीं है। करीब 12 गांव बताए जा रहे हैं मुंगेर के, जो कि बाढ़ की चपेट में है। बिहार के ही छपरा की बात करें तो यहाँ सरयू नदी उफान पर है। छपरा में बाढ़ जैसे हालात यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। वहीं छपरा के प्रभुनाथ सिंह कॉलेज का कैंपस भी चारों तरफ से पानी पानी हो गया है। सरयू के बढ़े जलस्तर और निचले इलाकों में घुसे पानी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। ये उसी कॉलेज परिसर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये पानी जल्द से जल्द खत्म हो, सूखे, फिर उसके बाद जो जिंदगी है वो सामान्य हो पाए। यहाँ कॉलेज कैंपस में पानी घुस गया है, जिस वजह से दिक्कत हो रही है।
कुछ लोग यहाँ वीडियो भी बनाते नजर आए इस बीच।